से स्पेशल तरह के न्यूज उस मैकेनिज्म को मिले थे, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक लीगल टेंडर की बात है विवेक जी, जितनी मेरी जानकारी है गोल्ड को लेकर, क्या भारत सरकार ने आज तक गोल्ड पे भी कोई अनाउंसमेंट किया कि गोल्ड को हम एक लीगल टेंडर मानते हैं, नंबर वन। नंबर टू, गोल्ड की भी ट्रेडिंग होती है, गोल्ड में भी सेल्स परचेज होता है, गोल्ड में भी सब कुछ होता है, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट होता है और एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को भी जाता है और बहुत बड़ा पार्ट उसको ट्रेड करने वालों को भी जाता है। अब आपका इम्पोर्टेंट सवाल ये था ब्लॉकचेन और बिटकॉइन बिना एक दूसरे के कैसे नहीं रह सकते। सर, ब्लॉकचेन ना कंप्यूटर जार्गन का एक बड़ा हैवी वर्ड है। बैंक ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं और आपने अपने बैंक से मेरे बैंक में पैसा भेजा, तो स्टेट बैंक से ट्रांसफर किया हुआ पैसा आईसीआईसी बैंक को जाने के दौरान बीच में उन दोनों ट्रांजेक्शन को गवर्न करने के लिए आरबीआई बैठा है। क्योंकि हार्ड कैश मनी ट्रांसफर नहीं होता, वो एक डिजिटल नंबर ट्रांसफर होता है। और ये सारा प्रोसीजर कोई बहुत पुराना नहीं है, ये सारा प्रोसीजर हिंदुस्तान में 2007 से चल रहा है। क्योंकि होता क्या था कि अगर आप नेशनली उसे ट्रेड कर रहे हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के दौरान लेकिन उसके कुछ नंबर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर सेम फंड्स को अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक को जाने को इसमें 5 सिस्टम रन करता है जो अपने आप में बड़ा एल्गोरिथम है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन और बिटकॉइन से कनेक्टेड ब्लॉकचेन की, दो लोगों की ट्रांजेक्शन, दो लोगों के क्विक वेरिफिकेशन का प्रोसेस, दो लोगों की ट्रांजेक्शन कितनी जल्दी हो पाए, दो लोगों की ट्रांजेक्शन कितना सेफ हो पाए, दो लोगों की ट्रांजेक्शन के बीच कोई ना संडे हो ना मंडे हो ना कोई वर्किंग आवर्स हो, दो लोगों के पास इंडिपेंडेंट मतलब वो फ्री हो अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए, इस सारे ट्रांजेक्शन का कंप्यूटराइज इंग्लिश नेम जो है वो ब्लॉकचेन है। सो आज हम लोग आपस में जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ सिस्टम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल कंपनी आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजती है, वो मैसेज भी इंक्रिप्टेड कोड के तहत ही जाता है, वो भी ब्लॉकचेन का ही एक फॉर्मेट है जो एक इंक्रिप्टेड नंबर है। सो रही बात यह कि चूंकि हमने उसके तहमें जाने की कोशिश नहीं करी तो आसानी से एक नया नाम दे दिया डर का, बिटकॉइन, उससे भी बड़ा हुआ डरा हुआ नाम दे दिया ब्लॉकचेन। लेकिन अगर बजट में आपने एक इम्पोर्टेंट चीज देखा होगा तो माननीय वित्त मंत्री ने एक बात पे बहुत ह्यूज फोकस किया था कि हमें बिटकॉइन या बिटकॉइन जैसी किसी भी क्रिप्टो करेंसी को तो हम लीगल टेंडर नहीं मानते हैं, लेकिन हम इसे भविष्य में क्रिप्टो एसेट्स के रूप में कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने रोड को बंद नहीं किया, उन्होंने रोड को खुला रखा है कि अब इस रोड पे जाने के लिए टोल टैक्स का प्रोसेस क्या होगा वो उसे भविष्य में बताएंगे। जी नहीं, ये आपने अच्छी बात कही।